तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल जी नॉनवेज में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए काकरेल मुर्गा। ये जानने के लिए बने रहे इस पूरी वीडियो पर। मुर्गा को अच्छे से हम भून लेंगे पहले। इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे पहले लाल के होने तक, जब तक इसका पानी ना निकल जाए। देखिएगा पानी निकलेगा, तेल जो मुर्गे के अंदर तेल है वो निकलने लगेगा। अच्छे से भून लेंगे। देखिए काफी अच्छे तरीके से हमारा मुर्गा भुना गया है। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं और भून जाए इसको। इसे कटिंग कर लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे पीस पे कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारा छोटे छोटे पीस पे काट लिए मुर्गा को। अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, तल लेते हैं। अब चलते हैं हम तलने के लिए। हमारा आग जल चुका है, अब अच्छे से कढ़ाई गर्म कर लेते हैं। ये हमारा मुर्गा, हमारा सरसों का तेल डाल लेते हैं 5 से 6 चम्मच। हमारा तेल काफी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें हमारा मुर्गा डाल देंगे जिसको तलना है। पत्ते की बात में तल लेंगे थोड़ा करके और अच्छे से लाल घंटे तक तलेंगे। देखते हैं हमारा कितना पका है मुर्गा। देखिए काफी अच्छा लग रहा है हमारा मुर्गा। इसे अच्छे से लाल धोते तक तल लेंगे। मुर्गा काफी अच्छे तरीके से तला गया है। अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट पे और हम सभी मुर्गे को ऐसे ही मुर्गे के पीस को अच्छे से ऐसे ही भून लेंगे। हमारा सभी मुर्गा अच्छे से भुना गया है। देखिए इसे निकाल लेते हैं। देखिए हमारा काफी अच्छे तरीके से तला गया है। अब हमारा तेज पत्ता डाल देते हैं इसमें 3 से 4। हमारा खड़ी मसाला को हम तेल में भून लेंगे। देखिए अब हमारा प्याज डाल देंगे कटा हुआ एक, और हमने लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट बना रखा है उसको भी डाल देंगे हम इसमें। पहले से लाल कलर का भून देते हैं। हमारा पेस्ट को डाल देते हैं लहसुन अदरक और प्याज का, जिसमें हम प्याज छील लिए थे छोटा साइज का और एक पूरा हमारा लहसुन। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और अदरक अपने स्वाद अनुसार रखते हैं। और अच्छे से लाल गोले तक भून लेंगे। मसाला काफ़ी अच्छे तरीके से भुना गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच हमारा मिर्ची पाउडर। अब हमारा डाल देंगे हल्दी पाउडर 3 चम्मच। अब हमारा डाल देंगे मेथी पत्ता। अब हमारा डाल देंगे धनिया पत्ता और अच्छे तरीके से भून लेंगे इसको 4 से 5 मिनट तक। हल्का हल्का पानी डाल के भूनेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा मसाला अभी से, काफ़ी अच्छे तरीके से भुजा रहा है ये। हल्का पानी डाल दे रही भुजे और इसी बीच में हम डाल देंगे हमारा नमक स्वाद अनुसार। आप जितना भी नमक चाहिए उतना डाल सकते हैं। हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा भुजा रहा है, आप देख सकते हैं। आग को धीमी रखें, हल्का आंच पे ही भुजें और हल्का हल्का पानी डालते रहें ताकि मसाला अच्छे तरीके से अंदर तक की भुजा जाए। हमारा मसाला काफ़ी अच्छे तरीके से भुजा गया है। इसमें हम डाल देते हैं हमारा पूरा मुर्गा और अच्छे से 5 मिनट तक इसे भून लेंगे मसाला के साथ, ताकि पूरे मुर्गा के अंदर हमारा मसाला चले जाए। हल्का सा हमारा पानी डाल देंगे 1/2 कटोरी। देखिए अब इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भूनने देंगे। इस बीच में हम पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा अभी से सब्जी, काफ़ी अच्छा कलर आया है हमारे सब्जी में।
देखो अच्छे से ढक्कन लगा के पकने देंगे। हमारा पानी डाल देंगे आधा गिलास और अच्छे जी आपको जितना रसा चाहिए आप उतना पानी डाल सकते हैं। हम आधा गिलास से एक गिलास डाले हैं। अभी तो अच्छे से 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। हमारा काफ़ी अच्छा दिख रहा है सब्जी। अभी इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता। हमारा इसमें गरम मसाला डाल देंगे जिसको हम पीस कर रखे थे। देखिए ऐसे 2 से 3 चम्मच डाल देंगे, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। हमारा सब्जी रेडी हो चुका है। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।